आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल के बारे में, और पिवट टेबल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पिवट टेबल को हम बनाते हैं। हमने कल की क्लास में पिवट टेबल पे ओवरव्यू दिया था कि आखिर पिवट टेबल होता क्या है और किस तरह के इस्तेमाल की जाती है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक डेटा है, इसी पे हम डेट पिवट लगाते हैं। हमने इंसर्ट किया पिवट टेबल एंड एक नई सीट पे ही चला गया, पुराने सीट पे नहीं गया। नेम को यहाँ रखा और हमने यहाँ पे रखा अपना क्वांटिटी को। तो यहाँ पे नेम और क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। जब चेंजिंग की बात आती है तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ ये जो चीजें हैं ना, इसको छोड़ के बाकी सबको चेंज कर सकते हैं। जो वैल्यू में रखी हुई फील्ड है उसको छोड़ के सब चेंज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे नेम कर दीजिए, यहाँ पे आप टोटल कर दीजिए, ऑलरेडी है तो टोटल क्वांटिटी कर दीजिए। ओके, पूजा का नाम गलत लग रहा है तो यहाँ पे आप पूजा सिंह कर दीजिए। इस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट? ओके, इस तरह की जो चीजें हैं वो चीजें आप कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहता था कि अब मुझे मान लीजिए पूजा क्वांटिटी आया, अब मैंने प्रोडक्ट को उठाया और मैं उसको कॉलम में रख दिया, तो डेटा आपका इस तरह से कॉलम वाइज आ गया। फिर फील्ड को उठा के रो में भी रख सकते हो और आप कॉलम में भी रख सकते हैं, राइट सर? रो एंड कॉलन में भी रख सकते हैं, दोनों में आप रख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कॉलन में रखते हैं तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेटा है वो कॉलम के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है, इसलिए रखते हैं। लेकिन आपके इसमें जो फील्ड है वो फील्ड जो है आपका लिमिटेड होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर ये लार्ज क्वांटिटी में हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये काफी बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सिटी को उठाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, बड़ा हो गया करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम उसको यहाँ सब माने कि सब रोड़ों में सब हेडिंग कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। इसका एक फायदा होगा कि आप जैसे पूजा का ड्रैग कीजिए, पूजा का पूरा इस तरह से कॉलेज एक्सपेंड हो जाएगा। एक साथ करने के लिए आपको एनालाइज में जाना है और यहाँ आपको कोलैप्स, ये आपका एक्सपेंड, कोलैप्स और एक्सपेंड, तो एक तरह से समरी ऑफ द समरी हो जाता है। समरी ऑफ द समरी बन जाता है। अब इसमें एक ये तो हो गई, अब इसमें एक चीज और आती है बात कि अगर मान लीजिए ये तो ये तभी यूज करते हैं जब हमको रिपोर्ट एज ए पिवट भेजना होता है। हमें रिपोर्ट एज ए पिवट ना भेजना है, मुझे कभी कभी क्या होता है कि हम पिवट टेबल लगाने के बाद डेटा को कॉपी करके कहीं और ले जाते हैं, वहां पे कुछ और बहुत सारी चीजें की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो मैंने यहां से कॉपी किया और जब मैं मान लीजिए यहां पे पेस्ट किया तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा नेम है और कौन सा सिटी है, क्या सर? सही सर, सही है। नहीं ये तो पूरा निकल गया ना, पता नहीं चल रहा है ना सर? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम में हो, तो पिवट टेबल के डिजाइन में ही आप आइए रिपोर्ट लेआउट और टैबुलर सो इन टैबुलर फॉर्म कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए हर नेम के नीचे उसका टोटल है, कभी कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ती है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अनटिक कर दे तो हट जाएगा, टिक करे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस डेटा को कॉपी करके ले जाता हूँ कहीं पे पेस्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मैं इस पे फिल्टर लगाता हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए इंदर का, इंदर सेलेक्ट किया
बट इंदर का देखिए एक ही आया, सिर्फ एक आया। जबकि अगर हम बात करें इंदर की, मैं फिल्टर हटाता हूं, देखिए इंदर में बहुत सारे नेम है ना सर, बट फिल्टर इसको इग्नोर नहीं करता है। मतलब कि मुझे डेटा वहां ले जाना है तो मुझे यहां इस तरह से रिपीटेड चाहिए। अब एक एक करके रिपीट करेंगे तो डेटा अगर लंबा हुआ तो काफी टाइम लगेगा क्या सर? वहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे डिजाइन में आते हैं, रिपीट लेआउट, यहां पे रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल क्लिक कीजिए, यहां पे आपको रिपीट हो जाएगा, रिपीट ऑल। ठीक है सर, राइट सर, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो नेम के बीच में, जो दो नेम है इसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए होता है। कैसे करें स्पेस, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां एनालाइज में आते हैं, सॉरी इसमें डिजाइन में ही आते हैं, रिपीट यहां पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम, हर आइटम के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दे। ओके, नहीं रखना है, इसको रिमूव करना है, यहां पे रिमूव, आपको रिपीट भी नहीं करना है, रिपीट हटाना है, डू नॉट रिपीट। और मैंने सिटी और इसको स्वैप कर दिया, यहां पे सिटी नीचे रख दिया। अब राइट क्लिक करके मैं यहां से इसको टोटल रिमूव कर देता हूं। अब क्या है, जैसे जयपुर हुआ तो मैं चाहता हूं यहां मर्ज हो जाए, जैसे आपका अगरतला है, इसको मर्ज करना चाहता हूं, लेकिन अब तो मर्ज नहीं होगा। मर्ज करने के लिए भी आपको राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन में जाना होगा और यहां मर्ज करना होगा। ओके, ठीक है, इस तरह से इसको मर्ज कर सकते। अब इसे मान लीजिए मैं सिटी को यहां से हटाता हूं, यहां पे सिटी को रखता हूं ऊपर में। यहां पे एक चीज और आ रही है कि बहुत सारी जगहों पे ब्लैंक सेल है, मैं चाहता हूं ये ब्लैंक सेल ना रहे, ये क्या हो जाए, यहां पे जीरो हो जाए, या कोई मैसेज आप शो करना चाहते हो, तो ये देखिए फोर एम्प्टी सेल और यहां पे रख दीजिए जीरो एंड ओके, जीरो हो गया। राइट सर, राइट। यहाँ एक चीज और आती है, जैसे कि यहां देखिए टीटू ने पटना में, टीटू ने पटना में 1717 सेल किया है। राइट सर, 1717 सेल हुआ है, आखिर क्या है? ओके, 1717 का सेल है, आखिर है क्या? ओके, मुझे इसके बारे में पता करना है। मतलब 1717 मतलब क्या क्या चीजें सेल हुई है? हाँ, मैं उसका डेटा चाहिए हमें। ओके, तो उस केस में जस्ट डबल क्लिक इस पे हम करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपको यहां पे आ जाएगा। ओके, प्राइवेट से आपके रॉ डेटा के शीट में ले जाएगा ना वो? हाँ, नहीं नहीं, रॉ डेटा नहीं, रॉ डेटा को कॉपी करके एक अलग शीट पे डाल देगा। ओके ओके, ठीक है, रॉ डेटा को कॉपी करके एक अलग शीट पे डाल देगा। लेकिन कभी कभी परेशानी का चीज भी बन जाता है, बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है डबल क्लिक करने की। मैं कभी कई लोगों को देखा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो बार बार नया शीट निकल के डेटा आता निकल जाएगा सर। सही है, सही है। तो उसके लिए क्या होगा कि राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल के ऊपर, पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां पे आप जो है डेटा में शो अनेबल डिटेल्स, ओके करें। अब नहीं, ओके, ठीक है,
तो आपने कुछ पिवट बनाया था कि नहीं बनाया था?